प्रदेश की गठबंधन सरकार बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार बढ़ाने की नीति पर काम कर रही है, ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। हुड्डा आज चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने सबसे पहले किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार को जल्द आंदोलन का समाधान निकालना चाहिए। सरकार को अपनी ओर से दो कदम आगे बढ़ाते हुए किसानों से बात करते हुए उनकी मांगे माननी चाहिए। सरकार को, केंद्र सरकार को दो कदम आगे बढ़कर उनसे बातचीत करनी चाहिए और इसका निपटारा कराना चाहिए, नहीं तो ये बड़ा भारी देश का नुकसान है। अब समय आ गया। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बिजली महकमे की एसडीओ भर्ती ने साबित कर दिया है कि नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को 75% आरक्षण का फैसला महज एक जुमला है। एक और सरकार दावा करती है कि वो प्राइवेट नौकरियों में भी हरियाणवियों को आरक्षण देगी, जबकि सरकार खुद की भर्तियों में स्थानीय युवाओं की बजाय अन्य राज्यों के 75% लोगों को नौकरी दे रही है। एक बार फिर एसडीओ भर्ती में सरकार ने हरियाणा की प्रतिभाओं को दरकिनार करते हुए अन्य राज्य के युवाओं को तरजीह दी है। सामान्य श्रेणी के 90 पदों के लिए 99 लोगों का चयन हुआ है, 9 लोग वेटिंग लिस्ट में हैं, लेकिन इन 99 में से सिर्फ 22 युवा हरियाणा के हैं। जैसे अभी बिजली कंपनियों में जो इन्होंने एसडीओ भर्ती करे, 99 में से 90 भर्ती किए, 9 वेटिंग लिस्ट हैं, उसमें से केवल 22 हरियाणा के जनरल कैटेगरी, जबकि ये कह रहे हम तो 75% जो है हरियाणवियों को देंगे। इसी प्रकार से पहले भी किए थे, उसमें 80 में से 78 बार के थे एसडीओ जो लगाए, और सारे अब लोग हैं इनकी तो वास्ट मेजोरिटी जनरल कैटेगरी में बाहर के ही मिलेंगे। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सामान्य श्रेणी के बाद बीजेपी जेजेपी सरकार अब आरक्षित श्रेणी एससी और बीसी के साथ भी बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रही है। सरकार ने हरियाणा डोमिसाइल के लिए 15 साल रिहायश की लिमिट घटाकर अब 5 साल कर दी है, यानी कोई भी व्यक्ति 5 साल तक हरियाणा में रहकर यहां का डोमिसाइल हासिल कर सकता है। इसका सीधा असर हरियाणा में एससी और बीसी वर्गों के हितों पर पड़ेगा, क्योंकि अन्य राज्य के लोग यहां का डोमिसाइल हासिल करके आरक्षित श्रेणी की नौकरियों में भी अप्लाई कर सकेंगे, क्योंकि 50% तो रिजर्वेशन एससी एसटी की थी, हरियाणा डोमिसाइल को मिली थी। अब जो डोमिसाइल की आयु जो है ना, उसकी अवधि 15 साल से घटाकर 5 साल कर दी, इससे एससी और एसटी हैं उनके ऊपर बड़ा भारी प्रभाव पड़ेगा भविष्य में, क्योंकि किसी भी प्रदेश में 15 साल से कम का डोमिसाइल नहीं है। जम्मू कश्मीर में आपको मैं दिखाऊं, आज ही आया हुआ था जी, जम्मू कश्मीर में भी अभी जो अनाउंस किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने 15 साल का डोमिसाइल किया, अमित शाह की स्टेटमेंट है। इससे एक तो एससी एसटी में फर्क पड़ेगा, और जो ये सरकार ने घोषणा किया था, कानून बनाया था कि प्राइवेट कंपनियों में 75% हरियाणवी होंगे, तो वो कहाँ होंगे? तो 5 साल तो कोई भी रहा तो वो हरियाणवी हो गया क्या? 15 साल रहे तो इसका मतलब हरियाणा के तो को नहीं लेगा, और ये 15 साल से घटाकर 5 साल की है, इसको तुरंत वापस लेना चाहिए, ताकि हरियाणा में जो बेरोजगारी फैली हरियाणियों को उनका हक मिलना चाहिए, और जो इनका जो वायदा था फरीदाबाद गुड़गांव इन प्राइवेट कंपनी में देखो कि ये कह रहे हैं हरियाणा के 75% लगेंगे, तो अब तो कोई नंबर ही नहीं आएगा 5 साल के डोमिसाइल के बाद, ये बड़ा भारी धोखा होगा। हल्ला बोल हरियाणा।